हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे होममेड बटर फ्रॉस्टिंग। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने फाउंडेंट केक बनाते समय बनाया था और आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए बनाते हैं बटर फ्रॉस्टिंग। होममेड बटर फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए 2.5 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप होममेड बटर, 3 टेबलस्पून दूध, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर और दूध इसको आपस में मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिल जाना चाहिए, गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। ये मेरा DIY फ्रॉस्टिंग है। अब एक मसलिन क्लॉथ लेंगे या फिर पतला कपड़ा लेंगे, उसमें होममेड बटर डाल देंगे। कभी कभी बटर में कुछ दाने दाने रहते हैं, वो इसमें नहीं रहने चाहिए और पानी भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसमें का एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और साथ ही इस टाइप से प्रेस करते हुए पूरे बटर को अच्छे से छान लेंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि होममेड बटर में थोड़े थोड़े दाने रहते हैं, वो निकालना बहुत जरूरी है। अब हम हैंड विस्क से या फिर हैंड ब्लेंडर से या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से बटर को फ्लफी कर लेंगे, अच्छे से फैट लेंगे। लो स्पीड पे हमें लगभग 2 मिनट तक इसे इस टाइप से फैट लेना है। आप अगर हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, हैंड विस्क से इसे बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी, पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी पिसी हुई चीनी मिलाते जाएंगे। चीनी बिल्कुल एकदम बारीक पिसी हुई है, उसे मैंने छान लिया है, उसके बाद हम इसे यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम लो स्पीड पे ही पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक मिनट तक फिर से लो स्पीड पे ही इसे घुमाना है और साथ में चीनी मिलाते जाना है। जितना भी है उसे पूरा एक कर लीजिए, चीनी इधर उधर फैल जाती है। और अब हम इसे स्पीड को बढ़ाएंगे और फिर से थोड़ी थोड़ी चीनी और साथ ही मिल्क पाउडर और दूध जो हमने मिला के रखा था वो डालते जाएंगे। अब स्पीड को थोड़ा हाई कर लेना है हमें और फिर 3 मिनट तक इसे फिर से इसे फैट लेना है। इसे बनाने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक बीटर से। पर अगर हाथ से बना रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते हैं इसको। आप कितनी स्पीड से इसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखिए लगभग तैयार होते आई है, पर अभी थोड़ी सी शुगर बची है, वो भी हमें डालना है इसे। देखिए परफेक्ट बन रही है ये। आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसे एक्स्ट्रा बीट करते हैं तो ये फूट जाती है और एकदम स्मूथ नहीं रहती है, इसलिए इसे बीच में जरूर चेक कर ले। बची हुई पिसी चीनी, मिल्क पाउडर वाला दूध और अगर आप कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो इस समय इसमें ऐड कर ले, क्योंकि हमें इसे एक्स्ट्रा बीट नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट होममेड बटर फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब हम इसे किसी केक में, डेजर्ट में, कपकेक्स में यूज कर सकते हैं। तो लाइक तो बनता ही है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस रेसिपी को घर में बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।